हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइंस केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले आपका एक टॉपिक है बुक में दिया हुआ, रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर में, उसकी प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हो। और इस चैप्टर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब आपको वहां से पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से आपको टॉपिक में है क्या, एग्जाम में कैसे लिखना है वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दिए, वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनती है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। फर्स्ट इसकी लिमिटेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती कैसे है। हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। अगर किसी ने ध्यान दिया हो, इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आखिर हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होती क्या है। उसमें मैंने आपको एक टाइप बताई थी, अगर हमारा एक अटोमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, दूसरा एटम हो उसका अटोमिक ऑर्बिटल एम्प्टी हो और वो ओवरलैप करे, तब भी हमारे जो बॉन्ड बनेगी उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और इस टाइप की बॉन्ड को हम टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी तो ऐसे ही होता है ना कि हमारा एक एटम होता है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं और दूसरे एटम एम्प्टी होता है और वो हमारे ओवरलैपिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनती है। तो इसके बारे में उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इसके हिसाब से तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, तभी वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। सेकेंड उसकी लिमिटेशन थी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जब भी हम मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रू स्ट्रक्चर होता था वो कौन सा होता था, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसके बारे में भी उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। वीबीटी ने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो वीबीटी ने रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, थर्ड इसकी लिमिटेशन है, जितने भी हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एग्जांपल है हमारा H2 पॉजिटिव E2 पॉजिटिव, ठीक है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वीबीटी, क्योंकि वीबीटी के हिसाब से तो ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, हमारा जो एक एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम मान लो यहाँ पे एच एटम है, ठीक है, अब पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली हमारा एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा तो यहाँ पे ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, लेकिन ये फिर भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं और बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसको भी हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, तो इसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ये भी तो कोवेलेंट बॉन्ड का एक टाइप है। इस टाइप की बॉन्ड को हम क्या बोलते थे, टू सेंटर वन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा होगा तो उसको सब समझ में आ रहा होगा कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, इसको भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी अजम्पशन तो ये थी। ओके, फोर्थ हमारा पॉइंट है, ओ टू मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, लेकिन हमारे वीबीटी इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि O2 मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है। ठीक है, इसके पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी वीबीटी हमारी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में उसने बोला तो था कि हमारा आयनिक करैक्टर होता है, लेकिन कितना परसेंटेज है ये नहीं उसने बताया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर को भी हमारी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा, हमारे जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो मॉलिक्यूल बनाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी तो हमारे मॉलिक्यूल बनाते हैं ओवरलैपिंग करके, तो इनमें बॉन्डिंग कैसे होती है इसको भी उसने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। अगर आपको याद हो, मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको एक और टाइप बताई थी, एक एटम हो हमारा जो एम्प्टी हो उसके पास ऑर्बिटल, दूसरा एटम जिसका ऑर्बिटल भी एम्प्टी हो वो ओवरलैप करे, और थर्ड हमारा एटम जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो फुली फिल्ड हो, जब ये तीनों ओवरलैप करते हैं तब भी हमारी कोवेलेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे सही से कर लेना, ओवरलैपिंग इस टाइप से होती है और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन बीच में ओवरलैपिंग में बीच में आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि इसके इलेक्ट्रॉन है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है,
तो इस टाइप की बॉन्ड को भी हम थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते थे। ये भी हमारी एक कोवलेंट बॉन्ड थी। तो इसके बारे में भी उसने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बॉन्डिंग कैसे करते हैं। वीबीटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये थी हमारी सिक्स लिमिटेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बारे में, मॉलिक्यूल्स के जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। थर्ड, हमारे जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जैसे वन इलेक्ट्रॉन हो गया, थ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कैसे बॉन्डिंग करती है, ये भी तो ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बनाती है ना, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जो आगे आप देखोगे हमारी एमओटी है वो एक्सप्लेन करेगी अच्छे से। ठीक है, फिर हम कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर नहीं बता पाई। ये तो उसने बोला कि हमारी कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर होता है, लेकिन उसका कितना परसेंटेज होता है ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई। और हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज में बॉन्डिंग कैसे होती है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, समझ के करते हैं डायरेक्शनल करैक्टर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। हमारे पॉलिंग एंड स्लेटर ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज किया हमारे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके पास हाफ फिल्ड है, मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने चाहिए और ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तब वो ओवरलैप करते हैं और बॉन्डिंग करते हैं। और पॉइंट्स मैंने नहीं लिखवाए थे क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखवाए थे। तो हमारा जो पॉइंट बचा था, हमारे सिर्फ सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स, हमारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब उनकी उनकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, ऑर्बिटल ओवरलैप। ओके, जो हमारे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, जिस साइड को वो ओवरलैपिंग करेंगे, मान लो उसने एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग करी, वाई पे करी, जेड पे करी, जिस एक्सिस पे वो ओवरलैपिंग करेंगे वही हमारी डायरेक्शन हो जाएगी बॉन्ड की भी। मान लो हमारे किसी ने ये हमारी एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग की है, ठीक है, तो हमारी बॉन्ड की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस पे हो जाएगी। अगर वाई एक्सिस पे करी है तो वाई एक्सिस पे हो जाएगी। इसी टाइप से हमारे जो डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग है वो ही हमारी डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड डिसाइड करती है। जिस साइड को हमारी ओवरलैपिंग होगी, जिस एक्सिस पे हमारी ओवरलैपिंग होगी, उसी एक्सिस पे हमारी बॉन्ड बनेगी और हमारी बॉन्ड की डायरेक्शन भी उसी टाइप से होगी। ये आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ओके, थर्ड बात, हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वही ओवरलैप करते हैं जिनका सेम साइन हो। अब ऑर्बिटल क्या है हमारे, ऑर्बिटल हमारी एक वेव है, ठीक है, इस टाइप से ऑर्बिटल तो एक वेव है ना। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और इस टाइप से नेगेटिव, हमारे सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ही ओवरलैप करके बॉन्डिंग कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप करके बॉन्डिंग नहीं कर सकते। क्या बोलना चाह रही हूँ, जैसे हमारा ये ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दूसरा हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ हमारी बॉन्डिंग कैसे होगी अगर ये ओवरलैप करें इस टाइप से, ये पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे तभी हमारी बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज हमारी बॉन्डिंग नहीं होगी। तो ये भी पॉइंट है हमारा कि हमारे सेम साइन वाले ऑर्बिटल ही ओवरलैप करके बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, डिफरेंट साइन वाले पॉजिटिव नेगेटिव वाले बॉन्डिंग नहीं करते। तीसरी बात हमारी क्या है, इससे हमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी पता चलती है। अगर देखो हमारे जिस साइड में ओवरलैपिंग होगी, मान लो हमारी एक्स एक्सिस पे ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग के बाद जो हमारी बॉन्ड की डायरेक्शन होगी वो भी एक्स एक्सिस पे होगी, उसकी वजह से हम उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पता कर सकते हैं, मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री भी हम पता कर सकते हैं इस ओवरलैपिंग की डायरेक्शन की हेल्प से। ठीक है, कौन सी बॉन्ड हमारी अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है या इन द प्लेन है, ये सब कुछ हम डायरेक्शन से डिसाइड कर सकते हैं। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पता कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि हमारी जिस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग होगी, डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड्स डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड। घबराओ मत, ये सब मैंने नोट्स में अच्छे से लिखा है, आप सिर्फ समझो जिस साइड हमारी ओवरलैपिंग होगी उस साइड हमारी बॉन्ड की डायरेक्शन होगी। अब ये ओवरलैपिंग हमारी टू टाइप्स की होती है, या तो हमारी एक्सियल ओवरलैप हो सकती है जिसको हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, कई एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, कई हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। अगर हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग हुई तब हमारी जो बॉन्ड बनती है तब हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है, अगर हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई तब हमारी जो बॉन्ड बनेगी उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। मतलब जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है टू टाइप से ओवरलैपिंग कर सकते हैं, फर्स्ट एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकंड साइड वाइज ओवरलैपिंग।
ओके, एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है, साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे तो हमारी पाई बॉन्ड बनती है। अब कब हमारी पाई बॉन्ड बनती है, कब हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है और कैसे बनती है वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पॉसिबल है। फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, कई बार इसको हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं और एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, एस और पी ऑर्बिटल कर सकते हैं, एस एस ऑर्बिटल कर सकते हैं, पी पी ऑर्बिटल कर सकते हैं। इससे जो बॉन्ड बनती है वो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है। ओके, सबसे पहले हम ले लेते हैं एस पी ऑर्बिटल या एस एस ले लेते हैं सबसे पहले, एस और एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हमारे इस टाइप से और दूसरा एस हमारा इस टाइप से। ठीक है, एस एस जब ये ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी उसको बोलेंगे हम सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे दो इलेक्ट्रॉन बीच में, समझ गए, एस एस ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और ये बात हमेशा याद रखना, हमारा जो एस ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके हर तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन फैले होंगे, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, इस ऑर्बिटल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है, उसकी वजह से ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, पाई बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग हमेशा एक्सियल ही हो सकती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो हमेशा अपने नोट्स में ये बात लिख लो कि हमारी जब भी बॉन्डिंग होगी, एस ऑर्बिटल जब भी किसी के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो एस कैन नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड। ये जब आप बॉन्डिंग करोगे तब भी आप समझ जाओगे कि हमारे एस ऑर्बिटल, इवन हमारे एस और पी में भी हमेशा जो बॉन्ड बनती है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनती है, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनती। समझ गए, अभी जब आप मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देखोगे उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे हमारी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड बनती नहीं है। तो सबसे पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एच टू मॉलिक्यूल जैसे हमारा, अब एच के पास क्या है, दो एच मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इनमें बॉन्डिंग कैसे होगी, इसका 1s1 और इसका 1s1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारे इस टाइप से बना लो। ठीक है, ये दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और हमारी बॉन्डिंग होगी। मैं समझा देती हूँ, मान लो ये 1s1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1s1 और यहाँ पे हमारी जो बॉन्डिंग हुई है वो 1s एंड 1s ऑर्बिटल के बीच में हुई है। ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा और ये हाइड्रोजन एटम में बॉन्डिंग हो चुकी है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं एस और पी ऑर्बिटल जब एक्सियली ओवरलैप करते हैं तब क्या होता है। एस और पी ऑर्बिटल हमेशा एक्सियली ही ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एस ऑर्बिटल ले लो, एक हमारा पी ऑर्बिटल ले लो। जब ये ओवरलैप करेंगे इस टाइप से, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाना है। ठीक है, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको, हमारा एच एफ मॉलिक्यूल। देखो, हाइड्रोजन की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन 1s1, इसका एक अटोमिक ऑर्बिटल बनेगा इस टाइप से। फ्लोरिन हमारा 1s2, 2s2, 2p5। ठीक है, 9 ही होते हैं इसके एटॉमिक नंबर। अगर हम इसका 2p5 बनाएं सिर्फ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये 2p ऑर्बिटल बनाया है। अब ये हमारा 1s एंड 2p ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 1s है और ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा फ्लोरिन का ऑर्बिटल है। जब ये ओवरलैप करेंगे तब हमारी जो फॉर्मेशन होगी एच एफ मॉलिक्यूल में, ये हमारी सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से, हमारा 1s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। यहाँ पे लिख सकते हो 2pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, क्योंकि देखो ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, ओवरलैप करके बॉन्डिंग करेंगे, इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो भी एक्सियली हुई है। ठीक, अगर मैं आपको पूछूं HF मॉलिक्यूल, HCl, HBr एंड HI, इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसकी होगी, तो ये मैं आपको कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसकी होगी, हमारे एच एफ की। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होगी, जितनी हमारी एन की वैल्यू लो होती है। देखो यहाँ पे किसके किसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, 1s के बीच में और 2p के बीच में, यहाँ पे किसमें होगी, 1s एंड 3p के बीच में। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन थी s2, 3p5, इसी टाइप से आएगी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन। ठीक है, इसमें 1s और यहाँ पे 4p के बीच में, यहाँ पे 1s एंड 5p के बीच में ओवरलैपिंग होगी और मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, HCl, HBr, HI
में जो अटोमिक ऑर्बिटल है वो इस टाइप से पार्टिसिपेट करेंगे। अब ध्यान रखना, जितनी हमारी एन की वैल्यू लो हो, मतलब नंबर ऑफ एन क्या है यहाँ पे, ये तो पता है ना आपको, नंबर ऑफ शेल, शेल नंबर है ये हमारा, ठीक है। एन क्या है, शेल नंबर। अब शेल नंबर जितना कम हो उतना ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, क्योंकि न्यूक्लियस की उतने ज्यादा क्लोज होते हैं इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो 1s एंड 2p ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी बनेगी हमारी, HF की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये, फिर ये और ये। अगर आपसे बॉन्ड एनर्जी पूछ लेते हैं तो बॉन्ड एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हमारी ओवरलैपिंग के, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है। ये मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लेक्चर में बता चुकी हूँ, हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड करती है कि हमारी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा, जितनी स्ट्रांग भी बोल सकते हैं, उतनी ही स्ट्रांग हमारी और उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आएगी, और हमारी बॉन्ड लेंथ के वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता था। ठीक है, ये पढ़ चुके हो ना अब आप, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा आएगी। तो HF मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर HCl के लिए, फिर HBr एंड फिर HI। अगर मैं यहाँ पे आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेती तो बिल्कुल रिवर्स हो जाता, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा HI की होगी, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, क्योंकि हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड भी छोटी हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, समझ रहे हो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस पे डिपेंड करती है, एन की वैल्यू पे। एन की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के उतने ज्यादा क्लोज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, इसी वजह से हमारी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, HI में सबसे ज्यादा, फिर हमारे HBr में, फिर HCl और फिर HF, समझ गए। एक बात और याद रखना, जो हमारी फर्स्ट बॉन्ड बनती है किसी भी मॉलिक्यूल में, हमारी वो सिग्मा बॉन्ड ही होती है। जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगी वो हमेशा सिग्मा होगी, जो सेकंड होगी वो पाई, वो थर्ड होगी वो भी पाई होगी, ठीक है, समझ गए। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही बनती है, बॉन्ड हमेशा हमारी सिग्मा बॉन्ड ही होगी। इसके थर्ड टाइप की पी एंड पी ऑर्बिटल, अगर हमारे पी एंड पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मान लो ये हमारा एक पी, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, इसने ओवरलैपिंग की पॉजिटिव पॉजिटिव ने, इस टाइप से यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगी। अगर इसकी ओरिएंटेशन इस टाइप से है हमारे पी ऑर्बिटल की तो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनेगी, अगर हमारी ओरिएंटेशन इस टाइप से हो जाए तो पाई बॉन्ड भी बन सकती है। पी और पी में अगर हमारे ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन इस टाइप से हो तब हमारी जो बॉन्डिंग होगी ये इस टाइप से, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी बन सकती है, ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का, इसलिए हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड लेते हैं पहले। तो सिग्मा बॉन्ड का हमारा एग्जांपल है यहाँ पे BF3। अब इसमें देखो हमारी ओवरलैपिंग कैसे होगी, बोरोन है हमारा, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो यहाँ पे 2s एंड 2p बना लेती हूँ मैं, यहाँ पे 2s में 2 है और 2p में 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2s2 एंड 2p 1 2 3 4 5, ओके। और ऐसे फ्लोरीन के हमारे 3 एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे BF3 का मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊँ, अगर इस टाइप से फ्लोरीन हमारे 3 एटम्स हैं जो ओवरलैप किए हैं, इसी टाइप से 3 और फ्लोरीन बना लेना, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल 2s2 एंड 2p5 आप बना सकते हो, ठीक है। अब हमारी ओवरलैपिंग कैसे होगी, यहाँ पे हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, याद करो क्या बोला था, अटोमिक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो वही ओवरलैप करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे जो बोरोन है इसके पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे ओवरलैपिंग, अब हमारे ये ऑर्बिटल तो ओवरलैप नहीं कर सकते, इसके साथ एक और फ्लोरीन एटम आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक और फ्लोरीन एटम है, उसकी भी 2s2 एंड 2p5 है, 5, ठीक है। अगर ये ओवरलैपिंग करेंगे, यहाँ पे एक और फ्लोरीन एटम होगा, अगर ये भी ओवरलैपिंग करेंगे तो ये हाफ फिल्ड और ये फुली फिल्ड ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, एक्साइटेशन, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे हम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोरोन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस 1s इलेक्ट्रॉन, इस 2s इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करवा देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन किस टाइप से आ जाएगी, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हमने 2p में जंप करवाया है, ठीक है, ताकि ये बॉन्डिंग कर सके, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनली हमारे जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वही ओवरलैप करते हैं, इसलिए हमें हाफ फिल्ड बनाना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए हमने एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ से लाया है, मान लो इसको मैं डॉटेड से शो कर देती हूँ कि आपको पता लग जाए कि यहाँ से आया, वैसे हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, समझ के। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे अब 3 बॉन्ड्स ये बना सकता है, यहाँ पे पहले ये एक ही बॉन्ड बना सकता था, ठीक है, क्योंकि इसके पास एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था, अब ये यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बना सकता है तीनों फ्लोरिन के साथ। अब देखो एक 2s एंड 2p के बीच में, मतलब हमारा बोरोन एक 2s और 2p के बीच में हमारे फ्लोरिन का एक 2p ओवरलैप करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल और बॉन्डिंग बनाएगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। दूसरा हमारा जो 2p, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, तो 2p ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल, एक और फ्लोरीन, यहाँ पे 3 फ्लोरीन है ना हमारे, दूसरे फ्लोरीन एटम की भी इसी टाइप से होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s 2p 5, तो ये 2p और ये 2p ओवरलैप करेंगे, इसका 2p ओवरलैप करेंगे और वो भी हमारी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। अब एक और फ्लोरीन एटम होगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऐसी होगी, एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास, तो ये वाला 2p और उसका 2p एटम, इसका भी 2p और इसका भी 2p ओवरलैप करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल और हमारी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, समझ गए। अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको मॉलिक्यूल्स बनाने हो तो हमेशा याद रखना हमने इस टाइप से एक्साइटेशन करवा देनी है अगर हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पूरे ना हो, क्योंकि बॉन्डिंग होगी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ही होगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, समझ के। आपको एक्साइटेड स्टेट समझ में आगे कैसे बनानी है, जस्ट एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे साथ वाली शेल में जंप कर। बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होती है, ऐसा क्यों होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने अजम्पशन में आपको लिखवाया था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिसाइड द बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, मतलब हमारे जो ओवरलैपिंग होगी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, हमारे जो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है ना उसमें हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ज्यादा ओवरलैपिंग कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे साइड वाइज ओवरलैपिंग में ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, हमारे थोड़े थोड़े एटॉमिक ऑर्बिटल ही थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो पाती है इस टाइप से, ठीक है, लेकिन हमारे एक्सियल में ज्यादा ओवरलैपिंग हो पाती है, समझ रहे हो, ये हमारी सिर्फ इतनी सी ओवरलैपिंग हो पा रही है, यहाँ पे ज्यादा ओवरलैपिंग हो पा रही है, इसको हम नोट में बाद में लिखते हैं, पहले हम समझ लेते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग में। फर्स्ट हमारे यहाँ पे आती है पीपी बॉन्डिंग, या जिसको हम पी पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग भी और डी पाई भी, समझ गए। सबसे पहले हम पी पाई समझते हैं, पी पाई बॉन्ड मतलब हमारे पी ऑर्बिटल, अब पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, ओरिएंटेशन इस टाइप से होनी चाहिए, ओरिएंटेशन का भी बॉन्डिंग के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है, आपने देखा था अगर हमने पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इस टाइप से रखी तो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है, अगर हमने इस टाइप से रखी है तो हमारी पाई बॉन्ड बनेगी। अब ये मत सोचना कोई कि एक ओरिएंटेशन हमने इस टाइप से रखी है, एक ऐसी रखी है, तब कौन सी बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे ओरिएंटेशन ये प्रॉपर है ही नहीं है बॉन्डिंग के लिए, यहाँ पे ओवरलैपिंग इस टाइप से, अब ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल इस टाइप से थोड़ी ओवरलैप करेगा, समझ रहे हो, तो ओरिएंटेशन दोनों सेम होनी चाहिए, या तो हमारी एक्सियल हो या तो हमारी साइड वाइज हो, ठीक है, इस टाइप की ओरिएंटेशन कभी भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ये मत सोचना आप। तो यहाँ पे देखो साइड वाइज ओवरलैप होगा इस टाइप से, ये जो हुई है ओवरलैपिंग, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी पाई बॉन्ड बनेगी पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, इसको पी पाई बॉन्डिंग भी बोलते हैं, पी पाई बॉन्ड, ओके। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, सबसे पहले N2 ले लेते हैं, चलो ठीक है, N2 मॉलिक्यूल है हमारा ये, आपको पता है N2 में हमारी इसी टाइप से बॉन्डिंग होती है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो पहली बॉन्ड बनेगी वो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनेगी हमेशा, तो ये हमारी सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो दो हैं हमारी पाई बॉन्ड बनेगी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3, ओके, दूसरे नाइट्रोजन की भी इसी टाइप से 1s2 2s2 2p3, ठीक है, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बना लो, 2p वाला बना रही हूं मैं सिर्फ, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए 2p एंड 2p, ठीक है, अब यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ओके। अब बॉन्डिंग कैसे होगी,
टू पी टू पी। अब हमारे सेम एनर्जी होगी जिसकी, वो ही ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। यहाँ पे ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। तो पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ ही ओवरलैप करेगा, एंड पी जेड के साथ ही ओवरलैप करेगा। ऐसे नहीं होगा कि पी एक्स पी वाई के साथ ओवरलैप कर ले, पी एक्स पी जेड के साथ ओवरलैप करे, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपको बताया ऑर्बिटल की एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अब एक्सिस हमारी सेम होनी चाहिए, सेम एक्सिस पर ही तो ओवरलैपिंग होगी। अगर हमारे एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पर है, एक जेड एक्सिस पर है, तो कैसे ओवरलैपिंग होगी? पॉसिबल नहीं है। दोनों हमारे सेम एक्सिस पे होने चाहिए, एक्स एक्सिस पे होने चाहिए। दोनों एक्स एक्सिस पे होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी, दोनों वाई पे होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी, दोनों जेड पे होंगे तभी ओवरलैपिंग होगी। समझ गए? तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी। तो केस में 2p और 2p में, यहाँ पे भी 2p के बीच में, यहाँ पे भी 2p एंड 2p के बीच में ओवरलैपिंग हुई है। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ आपको, ये n है, ये n है, तो हमेशा याद रखना जो हमारा 2pz ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल, वो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग बनाता है। अगर हमें उसको एक्सियल ओवरलैप करवाना पड़े, हमें अगर सिग्मा बॉन्ड बनानी है p ऑर्बिटल से, तो हम pz ऑर्बिटल से ही बनाते हैं हमेशा। ये हमारी कन्वेंशन है बुक्स की, तो इसको याद रखना। यहाँ पे जो हमने सिग्मा बॉन्ड बनानी है, वो हमने pz के साथ बनानी है। ये जो ऑर्बिटल है हमारा, ये हमारा pz है, ठीक है? इसको मैं pz लिख देती हूँ, 2pz, ठीक है? फिर आप एक्स वाई किसी को भी ले सकते हो, उसको कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे एक्स बना लो या वाई बना लो, ठीक है? इसको पी एक्स मान लेते हैं, टू पी एक्स मान लेते हैं, और यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी इस टाइप से। देखो यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग हुई है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। अब हम पाई बॉन्ड को ना इस टाइप से शो नहीं कर पाते। अगर हमने स्ट्रक्चर बनाना हो इसका, तो हम इसको शो नहीं कर पाएंगे, इसको कैसे क्लोज लाके इसको शो कर पाएंगे? इसलिए हम इसकी ओवरलैपिंग को इस टाइप से शो करते हैं कि ये दो ऑर्बिटल्स हमारे ओवरलैप कर रहे हैं, ये भी हमारा 2p x ऑर्बिटल है। समझ गए? फिर उसके बाद हमारा क्या बचा? py। अब py को आप इस टाइप से बनाओगे, ये इस टाइप से। अब इनमें ओवरलैपिंग ये होगी, ओवरलैपिंग ये होगी हमारी पाई बॉन्ड, ठीक है? ये हमारी पाई बॉन्ड, ये हमारी पाई बॉन्ड, और ये हमारी सिग्मा बॉन्ड, और हमारे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में इस टाइप से बॉन्डिंग होती है। तो सबसे पहले जो ओवरलैप हुआ वो एक्सियली ही हुआ, इसलिए सबसे पहले जो हमारी बॉन्ड बनी वो सिग्मा बॉन्ड ही बनी। समझ के मेरी बात? तो ये है हमारे N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है? अब तो आपको ओवरलैपिंग करनी आ गई, समझ में आ गया कैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और कैसे हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम जल्दी से एक बार को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे होती है। एक हमारा पी ऑर्बिटल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, एक हमारा डी ऑर्बिटल होगा इस टाइप से, ठीक है? इसमें पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमारी ये देखो ओवरलैपिंग इस टाइप से होगी। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव थे, ठीक है? तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, इससे हमारी बनेगी पाई बॉन्ड। समझ गए? अब देखो इसके एग्जांपल आप खुद कर सकते हो, SO2 मॉलिक्यूल कर सकते हो ना आप, तो आपको ओवरलैपिंग करनी आ गई है, ठीक है? SO2 में जब आप बनाओगे, देखना एक p ऑर्बिटल होगा, एक हमारा d ऑर्बिटल होगा, वो ओवरलैप करेगा और हमारी बॉन्डिंग होगी। करके देख लो, चाहे हमारा इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है SO2 मॉलिक्यूल का। इसमें आप बॉन्डिंग देख लो जल्दी से, इसका कितना होता है, 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। ऑक्सीजन हमारा 1s2, 2s2 एंड 2p4। इसी टाइप से हमारे दो ऑक्सीजन एटम हो गए, ओके? तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप 3s बनाओगे और 3p बनाओगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब यहाँ पे ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है, लेकिन हमारे सल्फर ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है, 4 बॉन्ड्स बनाई है। तो इसका मतलब हमें एक्साइटेशन करवानी पड़ेगी यहाँ पे 3p, और 3p सबहेल के पास हमारी 3d भी होती है। तो यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स और आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3d। ये जो हमारा एम्प्टी होगा, एक्साइटेशन हो जाएगी, हमारे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा 3d में। अब देखो यहाँ पे हम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अब 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं हम, तो सबसे पहले देखो किसमें ओवरलैप हुआ, इसके 2p में और इसके 3p में। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हमारे ऑक्सीजन एटम के 2p में और हमारे सल्फर एटम के 3p में ओवरलैप हुआ है, तब हमारी ये जो बॉन्ड बनी, एक इसने सिग्मा बॉन्ड बना ली, अब ये दूसरी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो इसका p ऑर्बिटल इसका 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहाँ पे 2p इसका 3p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। अब हमारा दूसरा ऑक्सीजन एटम और आएगा, उसके पास भी इसी टाइप से 2p4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है? वो भी हमारे फर्स्ट 2p एंड 3p,
यहाँ पे 2p और ये 3p ओवरलैप करेगा, 2p एंड 3p ओवरलैप करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगी। एंड लास्ट में हमारा ये जो p है और ये d ऑर्बिटल है कि बॉन्डिंग करेंगे, यहाँ पे 2p और यहाँ पे 3d में जो ओवरलैपिंग हुई है उससे बनी है हमारी पाई बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे p पाई एंड d पाई बॉन्डिंग हुई है। समझ गए हमारा एग्जाम्पल पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का। समझ में आ गई बॉन्डिंग कैसे हुई। ऑक्सीजन एटम है हमारा, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो ही हैं, ठीक है, इसलिए एक ऑक्सीजन एटम हमारी दो बॉन्ड बना सकता है। पहली बॉन्ड जो बनाएगा वो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरी बॉन्ड जो बनाएगा वो हमारी पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी टाइप से दूसरा ऑक्सीजन एटम है उसकी भी मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल्स बना दी है, वहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगी हमारी 2p एंड 3p के बीच में बनेगी जो हमारी सिग्मा बॉन्ड बनेगी, सेकेंड बॉन्ड बनेगी 2p एंड 3d के बीच में जो हमने जंप कराया था, एक्साइटेड स्टेट बनाई थी हमने सल्फर एटम की, तो इसके 3d सल्फर एटम की 3d और ऑक्सीजन की 2p के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी, ठीक है। टाइप से आप किसी भी मॉलिक्यूल में किस टाइप की बॉन्डिंग है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट है हमारी d पाई बॉन्डिंग। d पाई में दो d ऑर्बिटल्स होंगे इसी टाइप से, इसको अब आप खुद कर लेना, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, जस्ट ओवरलैपिंग करवानी है आपने। यहाँ पे दूसरा डी ऑर्बिटल ये इस टाइप से ओवरलैप करेंगे तो हमारी जो बॉन्ड बनेगी उसको हम डी पाई बॉन्ड बोलेंगे, समझ के। इसको आप खुद कर लेना, आप नंबर ऑफ एग्जांपल्स कर सकते हो, उसमें देख सकते हो कि किसमें पी पाई बॉन्डिंग है, किसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, कौन से हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं और पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो बातें आपको नोट डाउन करनी है नोट्स में, वो लिख लो आप। सबसे पहली बात है हमारी जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है एज कंपेयर टू पाई, पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, सिग्मा बॉन्ड है वहां पे ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, उसकी वजह से मैंने आपको बताया था हमारी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती है और बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है, समझ के। दूसरी बात आपने क्या नोट डाउन करनी है, हमने की ना पी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई एंड डी पाई, इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सी होती है, तो वो होती है पी पाई। हमारी जो पी पाई बॉन्ड होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पी पाई डी पाई से और डी पाई से, ठीक है। ये दो बातें आपने नोट डाउन करनी है कि पी पाई में जो साइडवाइज ओवरलैप होता है, अगर हमारी पाई बॉन्डिंग में ही आपसे पूछ ले कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसकी होती है, तो हमारे पी पाई ऑर्बिटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं पी डी एंड डी डी। जल्दी से हम इसका डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या है इसका, मैं आपको यहाँ पे रफ सा लिख दूंगी, एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स में दिया हुआ है, तो जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड हमारी एक्सियल ओवरलैपिंग से बनती है या हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनती है, एक्सियल हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनती है, ठीक है। जो हमारी पाई बॉन्ड है वो साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनती है, तो यहाँ पे साइडवाइज ओवरलैपिंग, ये फर्स्ट डिफरेंस आ गया, ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पे साइडवाइज होती है। सेकेंड इसका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग किसके किसके बीच में होती है, यहाँ पे एस एस के बीच में, एस पी के बीच में और पी पी के बीच में, ठीक है। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनती है। यहाँ पे हमारे पी पी ऑर्बिटल, पी डी ऑर्बिटल एंड डी डी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, फर्स्ट बॉन्ड जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड ही होती है, ये सब हमेशा याद रखना, ठीक है। थर्ड बात हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारी जो सिग्मा बॉन्ड होती है, मैंने बोला सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है पाई बॉन्ड से, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिख दो आप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर इन सिग्मा बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। किससे स्ट्रॉन्ग है ये? पाई बॉन्ड से, ठीक है। हम ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड होती है वो मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मोर स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ठीक है।
यहाँ पे सब कुछ उल्टा लिख दोगे आप, यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है, उसकी वजह से हमारी बॉन्ड एनर्जी सिग्मा बॉन्ड से कम आती है, और बॉन्ड लेंथ भी हमारी सिग्मा बॉन्ड से कम होती है, और यहाँ पे जो लेस स्टेबल बॉन्डिंग होती है, लेस स्टेबल बॉन्ड बनती है जो हमारी पाई बॉन्ड होती है। हमारा डिफरेंस है ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। टू एटम्स में, अगर दो एटम्स में बॉन्डिंग होगी तो सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकती है, ठीक है। फोर्थ यहां पे डिफरेंस में आप लिख लो, टू और मोर पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड हमारे दो से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमने N2 मॉलिक्यूल में ऐसे देखा ना, पहली बॉन्ड तो हमारी सिग्मा थी, उसके बाद हमारी पाई थी और ये पाई थी, ठीक है। यहाँ पे दो एटम्स के बीच में दो पाई बॉन्ड्स बन सकती है, सिग्मा बॉन्ड हमारी एक ही बन सकती है, ओके। फिफ्थ डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस है हमारा सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो हमारी अकेली बन भी सकती है, जैसे हमने HCl में देखा था, HF में देखा था, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड तो हमारी अकेली बन सकती है, लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनती है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में जो पाई बॉन्ड बनती है वो दूसरी बॉन्ड होती है, तो सिग्मा तो उसके साथ हमेशा होगी ही, ठीक है। तो हमारी पाई बॉन्ड कभी भी अकेली नहीं बन सकती, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड हमेशा होगी। तो ऐसे लिख सकते हो आप इसको, पाई बॉन्ड फॉर्म ऑलवेज अलोंग विद सिग्मा, ठीक है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनती है, ठीक है, वो अकेली नहीं बन सकती। सिक्स्थ अगर बात करें, रोटेशन अबाउट एक्सिस, रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड, अगर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हमने रोटेशन करनी हो, ये हमारी बनी है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, इसको हमने रोटेट करना हो, इस टाइप से रोटेट करना हो, तो यहाँ पे रोटेशन आसानी से हो जाती है, तो यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, रोटेशन इज पॉसिबल। यहाँ पे जो रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं है, रोटेशन नॉट पॉसिबल। अगर इस बॉन्ड को हम, ये जो है इस पाई बॉन्ड को हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाती है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये हमारा सिक्स्थ डिफरेंस हो गया। लास्ट डिफरेंस है हमारा, जब हमारी सिग्मा बॉन्ड बनती है ना, मान लो ये दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होते हैं, न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। हमारी जब सिग्मा बॉन्ड बनती है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ही लाई करते हैं। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई ऑर्बिटल आपने देखा होगा ना, इस टाइप से हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है ना, ऐसी होता है। तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे होती है, मतलब न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं होते, उसके ऊपर या नीचे ही होते हैं, समझ गए। तो ये थे हमारे डिफरेंस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में, क्या क्या डिफरेंस है अगर हम रिपीट करें, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनती है, बॉन्ड एनर्जी इनकी ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, और इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, हमारी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनती है, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है, और हमारे सिग्मा बॉन्ड अकेली भी बन सकती है, उसको पाई बॉन्ड जरूरी है, साथ में पाई बॉन्ड हो, लेकिन पाई बॉन्ड हमारी अकेली नहीं बन सकती। टू एटम्स के बीच में अगर फर्स्ट बॉन्ड बनेगी तो वो सिग्मा बॉन्ड बनेगी, इसी वजह से हमारी जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही बन सकती है, उससे अलावा सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकती, लेकिन हमारी पाई बॉन्ड एक से ज्यादा भी बन सकती है, मतलब हमारी पाई बॉन्ड दो भी हो सकती है। ये था हमारा डिफरेंस सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में, डायरेक्शनल करैक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में आज हम इतना करते हैं। इसमें दो टॉपिक आते हैं हमारे, हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, लेकिन उसमें से अगर कुछ मॉलिक्यूल्स अगर बचे होंगे तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगी हाइब्रिडाइजेशन में, जो आपके बुक में मॉलिक्यूल्स दिए हों और मैंने करवाए ना हो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। अदरवाइज मैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर में, फर्स्ट ही हमारा लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन, उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ कि कैसे हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल लीनियर कब, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी हमारे अगर कोई मॉलिक्यूल बचे होंगे तो मैं यहाँ पे उसको डिस्कस करूंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आज के लिए हम इतना करते हैं।